हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता फुलचंद गायकवाड़। वेलकम बैक इन आवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज सेशन लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन बैंक सीरीज फॉर क्लास 12th HSC का। हमने जो इंग्लिश क्वेश्चन बैंक 2022 का विद सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, सो दिस इज द फोर्थ लेसन। ऑलरेडी हमने जो तीन लेसन है आपके टेक्स्ट बुक के, लेसन नंबर 1 एन एस्ट्रोलॉजिस डे, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, उसके मैंने जो भी क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जितने भी पैसेज है सो वो सॉर्ट आउट करके उसको सॉल्व करके विद सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। दिस इज द लेसन नंबर 4, बिग डेटा बिग इनसाइट। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर देना। लेट स्टार्ट। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको कहा है ये फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका सीन पैसेज रहेगा, दिस बिलोंग्स टू योर टेक्स्ट बुक। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में प्रोज सेक्शन से रिलेटेड कोई भी एक जो आपका लेसन है उससे रिलेटेड कोई भी एक पैराग्राफ आपको आ सकता है, पैसेज आ सकता है। सो दिस इज द पैसेज फ्रॉम द थिंग इज दैट कि हम इसे अभी पढ़ते नहीं बैठेंगे इस पैसेज को, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड द लेसन। सो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिग डेटा बिग इनसाइट का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड एक्सप्लेनेशन इन मराठी, इन बोथ लैंग्वेजेस आई हैव एक्सप्लेन द फुल लेसन, वो आप चेक कर लेना। सो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड। आपको एग्जाम में क्या करना है, पहले तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है टिल द एंड, दैट इज ये कब तक है, रिलायबिलिटी इन डिलीवरी तक। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अबाउट अरेंज द गिवन सेंटेंसेस इन द ऑर्डर टू समराइज द एक्सट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर अक्यूरेंसेस। पहले तो बात है कि बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता इसलिए वो गलती कर देते। यहाँ पर क्या बोला है, अरेंज द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर जो आपको सेंटेंसेस दिए हैं इनको आपको अरेंज करना है इन द ऑर्डर टू समराइज द एक्सट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर अक्यूरेंसेस। इस पैसेज में या फिर इस पैराग्राफ में जो भी सेंटेंसेस आए वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं और एज पर दैट आपको इसको अरेंज करना है। सो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा आया है, दैट इज एवरी ऑनलाइन एक्टिविटी इज स्टोर्ड इन बिग डेटा। सो सेकेंड वाला यहाँ पर आपको फर्स्ट में आ जाएगा। देन बिग डेटा इज कम्प्रेहेंसिबल ड्यू टू बिग डेटा एनालिटिक्स, दैट इज आपका ये थर्ड वाला सेकेंड में आ जाएगा। देन द इंडस्ट्रीज गेन एडवांटेजेस फ्रॉम द बिग डेटा, फोर्थ का आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। एंड बिग डेटा इम्प्रूव द लॉजिस्टिक सर्विसेज, ये आपका नंबर फोर्थ में आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको सिर्फ आंसर में सिक्वेंस इसका लिखना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सिक्वेंस वाइज आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपने 2 out of 2 मार्क्स का सॉल्व कर दिया है। सो लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर A2। सो यहाँ पर देखिएगा, बिग डेटा एनालिटिक्स प्ले अ विटाल रोल, जस्टिफाई यानी कि आपको इसका रीजन देना है कि बिग डेटा एनालिटिक्स प्ले अ विटाल रोल। तो कैसे ये प्ले करता है, बिग डेटा एनालिटिक्स एक मेजर रोल कैसे प्ले करता है, ये आपको आपके पैसेज में ही ढूंढना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको ये आंसर मिल जाएगा, दैट इज बिग डेटा एनालिटिक्स इज यूज्ड टू गिव इनसाइट्स दैट वर प्रीवियसली इनकम्प्रेहेंसिबल, ये आपको फर्स्ट करके लिखना है। देन सेकंड में आ जाएगा आपका नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज एंड वेरिएड डेटासेट्स। एंड नंबर 3 इज बिग डेटा टू अनकवर इंफॉर्मेशन सच एज हिडन पैटर्न्स, अननोन कोरिलेशंस, मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। ये सभी आंसर्स आपको इस पैसेज में मिल जाएंगे, इसलिए आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, बिग डेटा एनालिटिक्स इज यूज टू गिव इनसाइट्स दैट वर प्रीवियसली इनकम्प्रेहेंसिबल। यहां से लेकर देखिएगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग ऑफ लार्ज डेटा टू अनकवर इंफॉर्मेशन सच एज हिडन पैटर्न्स, अननोन कोरिलेशन, मार्केट ट्रेंड एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। सो इस तरह से ये आपका 2 मार्क्स के लिए इतना बड़ा आंसर तो लिखना ही है, तो यहाँ पर आपको 2 out of 2 मार्क मिल जाएंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको पैसेज में अच्छे से पढ़ना है कि आपको क्वेश्चन का आंसर कहाँ से ढूंढना है। सो बिग डेटा एनालिटिक्स प्ले विटाल रोल, ये क्यों मेजर रोल प्ले करता है, इससे रिलेटेड ये 3 सेंटेंसेस है, ये ध्यान में रखिएगा। नंबर A3, क्वेश्चन नंबर A3, बिग डेटा इज अ ग्रेट चैलेंज टू द प्रेजेंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि बिग डेटा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज का जो कंप्यूटर कंप्यूटिंग का टेक्नोलॉजी आया है इसके सामने। तो देखिएगा यहाँ पर फिर आप आंसर कहाँ से लिखोगे, दैट इज फ्रॉम
big data can be petabytes or exabytes of data consisting of billions to trillions of records of millions of people. So let's check यहाँ पर आपको कहाँ पर मिल जाएगा. That is where it is. यहाँ पर देखिएगा, big data can be petabytes or exabytes of data consisting of billions or to trillions of records of millions of people, all from different sources. For example, web, sales, customer contact center, social media, mobile data and so on. So इस तरह से यहाँ पर देखिएगा, हमने जो आगे का है information वो वहाँ से ही लिया है. That is, this data is all from different sources. For example, web, sales, customer contact center, social media, mobile data and so on. The data available to industries and companies is enormously increasing in volume, variation, velocity, veracity and value. Big data correlate all this data and draw definite conclusion which is inevitable to survive in today's competitive market. तो यहाँ तक आपको आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है. सो ध्यान में रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर यहाँ पर हमने ले लिया है एंड एज पर दैट ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है. सो आई होप कि आपको ये 2 मार्क्स का भी यहाँ पर पता चल गया किस तरह से आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है. लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर A4. We tend to refer to certain features of the product or services before orders. Give reason for such conduct. यानी कि ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है. PR, पर्सनल रिस्पॉन्स, यानी कि आपको अपने ओन वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है. अ प्रोडक्ट इज द टर्म, अ प्रोडक्ट इज द आइटम और सर्विस ऑफर्ड फॉर सेल. बेसिकली हमें क्या पता है बच्चों कि प्रोडक्ट क्या रहता है, कि एक आइटम या फिर सर्विस रहता है जो सेल के लिए अवेलेबल रहता है. फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल इज अ प्रोडक्ट एंड इट्स आफ्टर सेल्स और रिपेयर इज सर्विस. ट्रैवलिंग और होटल और अम्यूजमेंट पार्क इज सर्विस. सो जैसे कि मोबाइल ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन जैसे ही हम उसको खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी आफ्टर सेल्स या फिर रिपेयर रहता है वो सर्विस में आ जाता है. ट्रैवलिंग, होटल, अम्यूजमेंट पार्क ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. When we choose a product, we will see what feature it is offering and at what price. It should be a branded and quality product. हम कोई भी अगर product purchase करते हैं तो उसमें हम सबसे ज्यादा क्या, कौन सी चीज देखते हैं? Brand and quality देखते हैं. The after sales service cost or its maintenance cost should be minimum. After buying the product, it should function in intended manner. We think all these features or service before purchasing any product. यानी कि यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि we tend to refer to certain features of the product or service before order. यानी कि कोई भी चीज खरीदने से पहले हम एक तो उसके features देखते हैं, ठीक है, या फिर service देखते हैं. So ये आपको रीजन देने हैं. तो दीज आर सम रीजंस, इसका आप लर्न कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसके एग्जाम में अगर बाय चांस ये वाला अगर पैसेज आ जाएगा तो आप आउट ऑफ स्कोर कर पाओगे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर A5. जैसे कि हम सबको पता है कि क्वेश्चन नंबर A5 ग्रामर से रिलेटेड रहता है. डू एज डायरेक्टेड. इफ यू हैव, फर्स्ट वाला क्या आया है यहाँ पर, इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स इन ट्रांजिट. सो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, choose correct alternative to use after plus ing. After plus ing इस तरह से आपको देखिएगा, after से शुरुआत करके, ठीक है, after से शुरुआत करके आगे का जो verb है उसके सामने क्या आना चाहिए, उसके बाद में ing. इस तरह से इस sentence को हमें लिखना है. तो यहाँ पर कौन सा sentence आ जाएगा, let's check. सबसे पहले आफ्टर आ गया, आफ्टर आ गया, यहाँ पर भी आफ्टर है, यहाँ पर भी आफ्टर है, ओके, फोर्थ में आफ्टर आ गया. लेकिन सेंटेंस क्या दिया है, इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स इन ट्रांजिट. ठीक है, तो हमारा से आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले कि इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग, यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आईएनजी किसके साथ आ जाता है, वर्ब के साथ आ जाता है, वर्ब प्लस आईएनजी, ये सेंटेंस का बेसिक नियम है, रूल है जो आपको ध्यान में रखना है. और इस सेंटेंस में आपका वर्ब है दैट इज ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर के आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आईएनजी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आया है, लेकिन यू हैव ऑर्डर्ड तो फर्स्ट वाला भी गया, थर्ड में भी यू हैव ऑर्डर्ड आ गया, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है. यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आफ्टर ऑर्डरिंग है, यहाँ पर भी आफ्टर ऑर्डरिंग है, ठीक है. तो आगे हम देखेंगे कि
वर्ब के आगे जो लाइन्स आई है दैट इज समथिंग ऑनलाइन, ठीक है, समथिंग ऑनलाइन आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा और आगे का जो सेंटेंस है दैट इज यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर, यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। सो जब आप देखिएगा कि वर्ब के आगे, वर्ब से पहले हमने क्या यूज किया, आफ्टर यूज किया, इसके लिए इफ यू हैव यहाँ पर पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, राइट। सो यहाँ पर देखिएगा कि यू कैन ट्रैकिंग द लोकेशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट समथिंग ऑनलाइन ऑर्डर आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैकिंग, ये भी गलत हो गया क्योंकि ट्रैक करना जो है यहाँ पर देखिए ट्रैक एज इट इज है, इसके आगे ईडी लग गया इसलिए ये वर्ब के आगे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर आईएनजी लगा दिया, ठीक है। दिस इज द मेन वर्ब ऑर्डर करना, और बाद में ट्रैक जो है एज इट इज यहाँ पर आ गया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है आपके ध्यान में रखनी है, आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट, सो आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर आपने 1 mark स्कोर कर दिया है। लेट चेक द नेक्स्ट वन, बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसको क्या करना है, चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू चेंज द सेंटेंस एज नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बनाना है। बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हमने निगेटिव करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिएगा बिग डेटा एनालिटिक्स एज इट इज आएगा, यहाँ पर भी है बिग डेटा एनालिटिक्स, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद देखिएगा ये प्रेजेंट टेंस में है, कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, इज यूज किया, राइट, इज 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 इज, ठीक है, चारों भी सेंटेंसेस में आ गया। अभी जब हम इसको क्या करने वाले हैं, निगेटिव फॉर्म में करने वाले हैं, इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है कि बहुत ही उलझन भरा हुआ काम, तो इसको हमने निगेटिव करना है, तो क्या हम यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे नॉट द सिंपल प्रोसेस, इसके अपोजिट कॉम्प्लेक्स के अपोजिट कौन सा वर्ड आ जाएगा, दैट इज सिंपल, कॉम्प्लेक्स के अपोजिट क्या आ जाएगा, सिंपल। बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द सिंपल प्रोसेस, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, नंबर 4, ये ध्यान में रखिएगा कि निगेटिव फॉर्म में जब हम किसी सेंटेंस को करते हैं तो उससे रिलेटेड जो अपोजिट वर्ड है वो हम ढूंढेंगे और उसको नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द सिंपल प्रोसेस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी हमने A6 देखेंगे, दिस इज रिलेटेड टू वोकैबुलरी, पिक आउट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, एंटोनियम्स का मतलब ही होता है विरुद्ध अर्थ वाला शब्द, अंडरस्टैंडेबल का क्या आ जाएगा, इनकम्प्रेहेंसिबल आपके ये पैसेज में है, ध्यान में रखिएगा। हाइड के लिए क्या आ गया यहाँ पर, अनकवर, देन अवेलेबल के लिए आ गया क्लोज्ड और हिडन, सिमिलर के लिए आ गया यहाँ पर डिफरेंट और वेरिएट। सो दीज आर द आंसर्स, यहाँ पर अपने 2 mark स्कोर किया। सो ये पूरा 12 mark का हमने बिग डेटा बिग एनालिटिक्स का जो है क्वेश्चन बैंक का विथ सोल्यूशन हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया है। देखिएगा बच्चों की समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो मैं आपको शुरुआत से ये बता रही हूँ। अगर लेसन समझ में नहीं आया है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर लेसन मैंने एक्सप्लेन किया है, वो पहले समझ लेना, जस्ट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द लेसन इज अबाउट एंड वहां पर आपको कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो बताई गई है, बिकॉज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दैट थिंग्स। सो जैसे कि आप एक बार लर्न करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में फिर आसानी हो जाएगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द नेक्स्ट जो आपका लेसन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।